स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी हैं, उन्होंने कहा है बीएसएनएल की स्थिति क्या होगी, बीएसएनएल कैसे आगे बढ़ सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, इम्प्लाई को थर्ड पीआरसी कैसे मिलेगा, इनकी बातें इसमें लिखी हुई है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या ये सब होने के बाद क्या बीएसएनएल एम्प्लॉय को थर्ड पीआरसी मिल सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों थर्ड पीआरसी के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों एक एक कर पूरे न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में बीएसएनएल को 1.64 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान, स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और आपदा राहत कार्य में बीएसएनएल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए दूर संचार जैसे रणनीतिक क्षेत्र में पीएसयू को बनाए रखने की सरकारी नीति का पालन करना और दूर संचार बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए यह वित्तीय राहत दी गई है। तो दोस्तों यह वित्तीय राहत इसीलिए दी गई है कि यह दूर संचार एक रणनीतिक क्षेत्र है, अन्यथा बीएसएनएल को बंद कर दिया जाता, लेकिन रणनीतिक क्षेत्र के तहत इसको इतनी खुली प्रतिस्पर्धा मिल रही है। सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है इस पैकेज का विश्लेषण इस प्रकार है। तो दोस्तों उस पैकेज का हम विश्लेषण कर किए हैं ये इन्होंने। तो आखिर ये क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर थर्ड पीआरसी के बारे में भी लिखा है, उनके बारे में बात करेंगे। 4G स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए बीएसएनएल को 44,933 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 4G कैपेक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 22,471 रुपये दिए जाएंगे। 4G प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में बीएसएनएल और अन्य टीसीपी के बीच कोई समान अवसर नहीं है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G सेवा को सिद्ध आयातित तकनीक वाली अन्य टीसीएस 4G सेवा से प्रतिस्पर्धा करना होगा। समय ही बताएगा कि बीएसएनएल की 4G सेवा का QoS दूसरों के बराबर होगा या नहीं। हालांकि यह एक कठिन काम है, लेकिन बीएसएनएल किसी से पीछे नहीं है और हमें उम्मीद है कि बीएसएनएल 4G इस चुनौती में शानदार प्रदर्शन करेगा। सुरक्षा चिंताओं जो हाल ही में अत्यधिक गंभीर हो गई है के कारण केंद्र सरकार ने संगठन और सशस्त्र बल निश्चित रूप से बीएसएनएल 4G सेवा की सदस्यता लेंगे, माइग्रेट करेंगे जब यह उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि 2G 3G टैरिफ की तरह बीएसएनएल 4G की टैरिफ भी काफ़ी प्रतिस्पर्धी होगा। यदि बीएसएनएल सेवा को QoS यानी TSP के बराबर है तो आशा है कि बीएसएनएल अपने जोरदार विपणन प्रयासों और आकर्षक टैरिफ के साथ नए 4G ग्राहक प्राप्त कर सकता है और MNP घर वापसी योजना के माध्यम से अन्य TCSP से भी 4G ग्राहक प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भरता एक ऊंचा विचार है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन सामान्य ग्राहक BSNL 4G सेवा को इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके 4G उपकरण स्वदेशी हैं। 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बीएसएनएल 4G सेवाओं का शुभारंभ कर दिया जाएगा। यह सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से बीएसएनएल के गर्व का क्षण होगा क्योंकि भारत उन 4 देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा जिन्होंने स्वदेशी तकनीक के साथ 4G सेवाएं प्रदान की है और बीएसएनएल भारत में स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G सेवा प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर होगा। बीएसएनएल को 25,000 गांवों तक 4G सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार से 26,316 करोड़ रुपये मिलेंगे। ग्राहक अधिग्रहण यहां बीएसएनएल के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। बीएसएनएल को 4G फोन विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करना चाहिए और 4G कनेक्शन के साथ 4G स्मार्टफोन का कॉम्बो पैकेज पेश करना चाहिए। कई ग्रामीण ग्राहकों के पास केवल फीचर फोन होंगे और ऐसे कॉम्बो पैकेज से बीएसएनएल को इन गांवों में तेजी से ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि गांव में प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व जो है कम है, इसलिए इन ग्रामीण क्षेत्रों से बीएसएनएल द्वारा बद्रे में ज़्यादा राजस्व की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीएसएनएल 1,20,000 से अधिक साइटों पर 4G सेवाओं का विस्तार करेगा और बीएसएनएल इस पर काम कर सकता है। 4G साइटों पर विस्तार करेगा और सेवाओं को पूरी तरह से शुरू करने में बीएसएनएल को लगभग 1.5 साल लग सकते हैं। उस समय तक निजी टीएसपी
4G में अच्छी तरह से शामिल हो चुके होंगे और 4G सेवाएं शुरू कर चुके होंगे। BSNL को 4G तकनीक से 6G की ओर छलांग लगानी चाहिए, क्योंकि 5G तकनीक 4G से 6G में परिवर्तित हो रही है। BSNL को 6G सेवा शुरू करने में अन्य TSP से पीढ़ी आगे रहना चाहिए। ग्रामीण वायरलाइन परिचालन के लिए 13,779 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता के अंतर फंडिंग एक स्वागत उपाय है। इससे BSNL को प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के सरकारी उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। AGR बकाया को इक्विटी प्राइवेट TSP में बदलने पर भी सरकार ऐसे ही राहत मिलेगी। सॉवरेन गारंटी समर्थित दीर्घकालिक बॉन्ड 40,399 करोड़ रुपये BSNL को मैच्योरिटी पर पूरी रकम चुकानी होगी। पांचवा नंबर की बात करें तो BSNL का BSNL के साथ विलय एक स्वागत योग कदम है और यह PSU की संख्या कम करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इस विलय से BSNL को BVNL द्वारा बनाए गए फाइबर संसाधनों का अधिकतम सीमा तक व्यावसायिक दोहन करने में मदद मिलेगी। BSNL के पास पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक अच्छा फाइबर नेटवर्क है और BVNL का BSNL के साथ विलय संबंध में BSNL को और मजबूत करेगा। BVNL द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे को इस क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव के साथ BSNL द्वारा उचित रूप से बनाए रखा जाएगा। BVNL द्वारा बनाए गए फाइबर संसाधनों को BSNL द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 5G टावरों के फाइबराइजेशन के लिए अन्य TSP को पट्टे पर दिया जा सकता है। BSNL गुणवत्तापूर्ण 4G सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 4G टावरों के फाइबराइजेशन के लिए BSNL के फाइबर का नेटवर्क का भी उपयोग कर सकता है। 15 अगस्त 2020 को PM की घोषणा के अनुसार 6 लाख लोगों को 1000 दिनों के भीतर UFC कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। BSNL बल्कि BVNL द्वारा बिछाए गए फाइबर नेटवर्क का उपयोग करके इस महत्वाकांक्षी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहले से लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 17,160 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे और अन्य 12,768 करोड़ रुपये सेवानिवृत्ति के देनदारी के लिए दिए जाएंगे। BSNL को इन फ्लाइट वाईफाई सेवा में प्रवेश करके पहला लाभ उठाना चाहिए, जिसके लिए उसने पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इस सेवा में राजस्व की कम भी संभावनाएं हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस सेवा के लिए कोई पूंजीगत व्यय आवंटित नहीं किया गया है। इसी प्रकार उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए BSNL को धन आवंटित किया जाना चाहिए था। BSNL के पास सैटेलाइट क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उसके पास बुनियादी ढांचा भी है। ग्रामीण भारत के 3/4 हिस्सों में ब्रॉडबैंड सेवा तक पहुंच नहीं है, लेकिन कोई अस्थाई अभी सेलुलर फायर कनेक्टिविटी से वंचित है और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रह माध्यम ही एकमात्र व्यवहार विकल्प है। BSNL अब हम बात करते हैं दोस्तों, BSNL की जिम्मेदारी क्या है। सरकार राजस्व और ग्राहक अधिग्रहण के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए BSNL के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगी। इस तरह का समझौता BSNL को सरकार द्वारा दी जाने वाली फंडिंग के लिए जवाबदेह बनाएगा और साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा बनाएगा। सरकार को उम्मीद है कि BSNL एकमात्र गुणात्मक परिणाम देगा। राजस्व सबसे महत्वपूर्ण मात्रात्मक वितरण होगा, गुणात्मक पक्ष पर यह ग्राहकों के प्रति व्यवहार होगा। BSNL को टावरों को फाइबर युक्त करना चाहिए और 4G सेवाएँ शुरू होने तक हाई बैंडविड्थ बैकहॉल तैयार करना चाहिए। हाल ही में सरकार द्वारा बैकहॉल के रूप में उपयोग के लिए ई बैंड भी उपलब्ध कराया गया था। 4G सेवा का पूरा लाभ पाने के लिए हाई बैंडविड्थ बैकहॉल जरूरी है। BSNL को बैकहॉल अपग्रेडेशन के लिए अपने पास उपलब्ध समय का लाभकारी उपयोग करना चाहिए। सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम खरीद सेवा के उन्नयन और इसकी बैलेंस शीट पर दबाव कम करने सहित प्रत्येक चुने हुए फोकस क्षेत्र के लिए BSNL को धन आवंटित किया है। आशा है कि BSNL आगे बढ़ेगा और कर्मचारी जो हैं BSNL को, अगर BSNL लाभ में आता है तो निश्चित रूप से BSNL कर्मचारी को 3rd PRC का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जब तक BSNL फायदे में नहीं आता है तब तक आप लोगों को 3rd PRC मिलना बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करते हैं 4G के साथ साथ आप लोगों को 3rd PRC मिल जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।